नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य संघ की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। प्रत्यक्ष जब देखते हैं फिर भी परोक्ष की ओर दृष्टि चली जाती है, कारण आज तक का परिचय परोक्ष से ही हुआ है इसलिए। किंतु इस परोक्ष जो अनुमान आदि हैं उनके माध्यम से प्रत्यक्ष की ओर जाने का पुरुषार्थ होता है, तो लगता है हमारा पुरुषार्थ अभी कमज़ोर है। कमज़ोर हो कोई वादा नहीं, लेकिन वह सही दिशा की ओर है क्या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। दूध को देखता है, देखता कोई भी तो दूध दिखता है, उसमें घी है इसका विश्वास करता है, उस दूध में घी है यह विश्वास करता है, किंतु दूध में जो घी है उसका दर्शन नहीं हो पाता। पुरुषार्थ होता है तो एक 12 घंटे नहीं लग पाते, दूध का रूप बदल जाता है, दही के रूप में परिवर्तित होता है। मंथन होता है तो नवनीत की उपलब्धि हो जाती है, एक कदम आगे बढ़ गए हैं। फिर भी उसमें घी का स्वाद, घी की गंध और घी का कोई भी अंग उपांग उसमें नहीं देखने को उपलब्ध होता है। उसको तपाया जाता है तो उसमें से जो कुछ भी और विकार विकृति थी दूर हो जाता है, तो वह गंध आप आंखें बंद भी कर देंगे सुगंध उसकी अवश्य आप तक आ जाएगी। अब यह एक क्रम परंपरा पुरुषार्थ का ये पद्धति है, यहाँ से वहाँ तक पहुँचने का। जो अभी जमीन धरती पर है अब वह अपने आप ही बिना कोई भी तेल वा और साधन के अपने आप ही ऊपर की ओर चला जाता है। उस घी को मान लो 1-2 किलो दूध में आप डाल दो तो भी वह ऊपर की ओर आ जाता है। हम उसको दबा भी दें, मेरा स्वभाव अब दबने का नहीं है। इस प्रकार वह एक परिवर्तन 12 घंटे में हो जाता है। हम लोग उसके स्वभाव से वंचित हैं, किंतु वंचित ही रहे ऐसा कोई नियम नहीं है। आप पुरुषार्थ करिए, अंतर मुहूर्त में वह सुगंध आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए, किंतु विकृति जब तक दूर नहीं होगी, विकार दूर नहीं होंगे, निश्चित रूप से हम अब कितने भी भगवान के चरणों में जाकर के बैठ भी जाए तो वो ये भगवान हमें भगवान बनाने वाले नहीं है। भगवान बन सकते हो या अवश्य ही उनका उपदेश हमें उपलब्ध होता है। सभी कीट पतंगों में भी यह शक्ति
छिपी हुई है अथवा सोई हुई है। जगाने के लिए गुरु, शास्त्र और देव, ये तीनों हो जाते हैं। आज हमें उनकी वाणी मिली है, गुरुओं के उपदेश मिले हैं और उनका उनकी प्रेरणा हम लोगों को मिलती है बार बार, किंतु वो घर में उपलब्ध नहीं होते, बाहर आपको निकलना होगा। अब बाहर की और घर की बात हम समझ ले कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो एक व्यक्ति ने कहा, महाराज ये आप नग्नत्व को क्यों स्वीकार कर लिए? भैया जब जन्म के समय पर भी नग्नत्व था तो ये रहने में क्या बाधा है? बालक को देखते हैं तो सब लोग किसी भी प्रकार से विकृति को प्राप्त नहीं होते हैं, बहुत कुछ को ओढ़ लेता है तो फिर बाद में माँ को भी लज्जा आने लग जाती है। कितनी विकृति का प्रभाव है ये देख सकते हैं। और इसलिए वह विकृति आ जाती है तो माँ उसके गाल के ऊपर एक टीका लगा देती है, कहीं क्यों इसकी क्यों लगाया, तो हम कुछ नहीं समझते, कहीं हमारी नज़र इसको लग जाती। और होता भी ऐसा है, तो ऐसे दिव्य शक्ति उसमें विद्यमान रहती है। परमात्मा की बात तो न्यारी है, इसलिए सब लोग ऊपर के पीछे ऐसे भेद भिन्नता को लेकर के हैं, भीतर से सुगंधि घृत की भांति हम लोगों के भी है और उसी का प्रस्फुटन होना शेष है। सही पुरुषार्थ के बिना, उन विकृतियों को हटाए बिना हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। भगवान से प्रार्थना है, भगवान आप साथ हम भी हो जाते, लेकिन आप लेकर के क्यों नहीं गए? ये लेने की बात नहीं है, ये तो उसका अनुकरण करने की बात है। अहिंसा परमो धर्मः।